आज की वीडियो में हम शीत युद्ध पर बात करेंगे और वह भी मात्र 50 शब्दों में। शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से 1990 तक सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चले वाक युद्ध का नाम है, जो अस्त्र शस्त्रों के स्थान पर वाद विवादों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारण तथा भाषणों आदि से लड़ा गया। यह युद्ध एक दूसरे के प्रति घृणात्मक प्रचार तथा आरोप प्रत्यारोपों से युक्त राजनीतिक प्रचार था। यह कूटनीतिक युद्ध तथा युद्ध का वातावरण था जिसका आधार सिद्धांत तथा विचारधारा थी, जिसमें विपक्षी देश को विश्व राजनीति से अलग थलग करने का प्रयास किया जाता है। यह था मात्र 50 शब्दों में शीत युद्ध का वर्णन। तो दोस्तों, जो आपने अभी वीडियो देखी है, अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो आप इन प्रश्नों के आंसर दे पाएंगे। और हमारी जो वीडियो है उसका जो टाइटल था शीत युद्ध, मतलब आपने शीत युद्ध पर आधारित ये वीडियो देखी थी। तो अब जितनी वीडियो के अंदर हमने अभी बातें की है, आपको शीत युद्ध के बारे में बताया है, उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो शीत युद्ध लड़ा गया था वो कौन से विश्व युद्ध के बाद हुआ था। आपके पास दो ऑप्शन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आपने इन्हीं दोनों में से आंसर देना है कि शीत युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हो। चलिए हम बता देते हैं कि ये जो शीत युद्ध हुआ था वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है, पूरा देखा है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि शीत युद्ध जो था, शीत युद्ध कैसा युद्ध था। दो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट हथियार युद्ध और सेकंड ऑप्शन है वाक युद्ध। मतलब आपको बताना है शीत युद्ध कैसा युद्ध था, हथियार युद्ध था, हथियारों से युक्त युद्ध था या वाक युद्ध था। तो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो सही आंसर है, यह है वाक युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शीत युद्ध जो है वो किस किस के बीच लड़ा गया था। तो शीत युद्ध के मतलब देखो, लड़ा तो गया नहीं था, लेकिन जो वाक युद्ध हुआ था मतलब किन दो के बीच ये युद्ध हुआ था। तो वो आपस में कौन कौन से थे, कि जैसे अपने वर्सेस लिखते हैं, जैसे भारत वर्सेस पाकिस्तान, तो यहाँ पर शीत युद्ध में इधर और इधर क्या लिखा जाएगा, बताइए किस किस के बीच ये युद्ध हुआ था, पूछ करके आंसर दे सकते हैं। चलिए हम आंसर बता देते हैं, ये है अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच था। उम्मीद करते हैं आपका बिल्कुल सही होगा, अमेरिका वर्सेज सोवियत संघ के बीच यही युद्ध लड़ा गया था। सोवियत संघ वर्तमान रूस है, हालांकि रूस और प्लस अन्य देश जो थे वो मिलकर सोवियत संघ बनाते थे। तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, उसके बाद में अलग हो गया था रूस। चलिए आपको ये बताना है नेक्स्ट कि शीत युद्ध समाप्त कब हुआ, वो सन बताना है। हम आंसर ऑप्शन नहीं देंगे, आपको सीधा बताना है कि शीत युद्ध ख़त्म कब हुआ था। तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो सही आंसर है 1990 में। उम्मीद करते हैं आपने जो कमेंट किया वो सही होगा। तो 1990 में यह है शीत युद्ध समाप्त हो गया था। कब हुआ था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, सोवियत संघ के टूटने के बाद ये ख़त्म हो गया था। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने शीत युद्ध को पढ़ा और उस पर आधारित कुछ क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछे। नेक्स्ट इसी तरीके से पहले वीडियो को बताया जाएगा और आगे क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे। उम्मीद है आपको यह तरीका हमारा पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।